एक बार हमारी तरीका से इस तरीके से भिंडी का सब्ज़ी बना के देखिए, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। जिन जिन लोगों को भिंडी नहीं अच्छा लगता हो, इस तरीके से बना तो ज़रूर अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा सब्ज़ी बन के रेडी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, सिंपल सा ही थोड़ा सा मसाला डाल के बनाई हूँ। एक बार हमारी तरीका से इस तरीके से भिंडी का सब्ज़ी बना के देखिए, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। जिन जिन लोगों को भिंडी नहीं अच्छा लगता हो इस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपको मनीषा लाइव ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को भिंडी की मसालेदार सब्जी बना के दिखाने जा रही हूँ। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। यहाँ मैंने भिंडी ले ली हूँ, इसको अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ। ये देखिए अब मैं इसको कटिंग करूँगी। यहाँ मैं इस तरीके से भिंडी को काटूँगी। ये देखिए छोटा छोटा भिंडी का, उसको सौसा ही रहने दूँगी। इस तरीके से मैं भिंडी को काटूंगी। ये देखिए इस तरीके से काटूंगी मैं भिंडी को, जो बड़ा रहेगा उसको दो टुकड़ा कर दूंगी। ये देखिए मैं इस तरीके से सारे भिंडी को काटूंगी ताकि कीड़ा भी हो तो नज़र आ जाए। देखिए कीड़ा सब भी हो तो दिख जाए। इस तरीके से मैं सारे भिंडी को काटूंगी। आगे पीछे का हटा दूंगी। आगे पीछे काट दूंगी। मैंने सारे भिंडी को काट ली हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। देखिए यहाँ मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी एक बड़ा चम्मच। यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें भिंडी को डाल दूँगी। अच्छे से लाल करूंगी। जब तक मेरी भिंडी फ्राई हो रही है तो मैं थोड़ा रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ इसमें अभी नमक नहीं डालूंगी। नमक डालने से क्या होता है भिंडी अभी सही तरह से हो जाता है, इसलिए मैं इसको आधा लाल कर लूँगी और उसमें मैं नमक डालूंगी। जब तक मेरा लाल हो रहा है मैं थोड़ा रेडी कर लेती हूँ। मैं यहाँ मसाला में देने के लिए एक बड़े साइज का प्याज ले ली हूँ, एक पोट लहसुन का ली हूँ, थोड़ा सा गोल मिर्च ली हूँ। इन सभी चीज़ को, इसी सभी चीज़ों का मैं पेस्ट बना कर रेडी कर लूँगी। देखिए इन सभी चीज़ का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। मैं यहाँ पेस्ट बना ली हूँ, मसाला पीस ली हूँ। यहाँ मेरा भिंडी आधा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। मैं इसमें आधा चम्मच ही नमक डालूंगी और आधा नमक मैं बाद में डालूंगी मसाले में। तो मिक्स कर दूंगी। देखिए मेरे भिंडी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, जो फ्राई हो चुका
थोड़ा सा अच्छा होगा और लागेगा। एक घंटे का कितने प्रकार की सब्जियाँ बनती हैं, मसाले वाला भी बहुत तरह की सब्जियाँ बनती हैं, इसका भुजिया भी बनता है, मसाला वाला भी बनता है, प्याज वाला भी बनता है, एक सरसों वाला भी बनता है, एक टमाटर वाला टमाटर का भी बनता है, कितने तरह की सब्जियाँ बनती हैं। यहाँ मैं प्याज वाला बना रही हूँ। यहाँ मेरा भिंडी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से लाल हो चुका है मेरा भिंडी। अब मैं इसमें तेल डालूँगी एक बड़े चम्मच। इसमें मैं चार दाने मेथी का डालूँगी। ठीक है, इसको अच्छे से चटकने देंगे। एक चुटकी मैं हींग डालूँगी। मैं इसमें मसाले डालूँगी। इसको मैं 2 मिनट तक भूनूँगी। इसमें आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ टमाटर नहीं डाल रही हूँ। तो भूनूँगी इसको। यह हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाला डालूँगी। इससे पहले मैं यहाँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। इसमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। मैं यहाँ इसमें नमक डालूंगी, अपना स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि मैं पहले भी नमक डाल चुकी हूँ, इसीलिए मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। अपने स्वाद के अनुसार ले नमक। ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। मैं भिंडी ऐड करूंगी। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, अगर आप चाहे तो इसे सूखे भी खा सकते हैं रोटी या पराठा के साथ, लेकिन मैं यहाँ इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। मैं 5 मिनट और भूनूंगी, उसके बाद मैं पानी ऐड करूंगी। ये देखिए अच्छे से भुना चुका, कितना अच्छा सलाद हो चुका है। हमें इसमें पानी डालना है। यहाँ मैं 1 कप पानी में इसको धो दूंगी। मैं इसमें डालूंगी अपने का ग्रेवी लगाएं। इसमें मैं 1/2 कप पानी और डालूंगी। ये देखिए आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिए। अब मैं इसको ढक दूंगी, गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और 5 मिनट तक पकने दूंगी। यहाँ मेरा 5 मिनट हो चुका है। मैं एक बार चालू कर देती हूँ। ये देखिए मेरा भिंडी का सब्जी बनके रेडी है। देखिए मेरा ग्रेवी भी ठीक है, ये ठंडा होने पर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ।
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करना ना भूले। और आप लोग भी बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप इसको पराठा या रोटी के साथ खाएं और एंजॉय करें। बाय बाय।